नमस्कार मैं आलोक सिंह आप लोगों के साथ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर द एनिमल टिश्यूज़ के बारे में कुछ जानने कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने स्टडी किया कि एनिमल टिश्यूज़ फोर टाइप्स की होती हैं और ये हैं एपिथेलियल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू इनमें से एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में डिटेल में स्टडी कर लिया आज हम लोग मस्कुलर टिश्यू के बारे में कुछ जानने कुछ समझने की कोशिश करते हैं इसके नाम से ही क्लियर है कि हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं और मसल्स के अंदर जो सेल्स हैं वो सेल्स से हमारे मस्कुलर टिश्यूज़ को फॉर्म करेंगे मीन्स जो मसल्स हैं वो मसल्स मस्कुलर टिश्यूज़ के बने होंगे अब हमारी बॉडी में मसल्स कहाँ कहाँ पाए जाएंगे एक तो ऑब्वियस है कि हमारी बॉडी का जो एक्सटर्नल सर्फेस है इन एक्सटर्नल सर्फेस पे मसल्स पाई जाती हैं मींस ये जो जितनी मसल्स हमें दिख रही हैं ये सारी की सारी जो मसल्स हैं वो मस्कुलर टिश्यूज की बनी हुई हैं इसके अलावा हमारी बॉडी का जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं लाइक हार्ट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्परेटरी सिस्टम एक्सक्रेटरी सिस्टम इन और भी बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन सभी ऑर्गन्स के अंदर भी मसल्स पाई जाएंगी और उनकी जो वाल होंगे वहाँ पर भी मसल्स पाए जाते हैं मीन्स बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस पे और बॉडी का जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स पर भी मसल्स पाई जाती हैं और ये सारी की सारी मसल्स जो हैं वो मस्कुलर टिश्यूज की बनी हुई होती हैं तो आइए हम लोग सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी बॉडी में जो मस्कुलर टिश्यूज हैं वो मस्कुलर टिश्यूज कितने टाइप्स की होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन हम मस्कुलर टिश्यू को थ्री ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं और वो हमारी हैं स्केल्टल मसल्स स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स अब इनके नाम से ही क्लियर है कि वैसा मसल्स जो मसल्स बोन के साथ अटैच्ड हैं उस मसल्स को हम लोग क्या कहेंगे इट इज़ द स्केल्टल मसल्स वैसा मसल जो मसल हार्ट के साथ हार्ट के वाल में अटैच्ड है उन मसल्स को हम लोग नाम देंगे इट इज़ द कार्डियक मसल्स और वैसा मसल्स जो मसल्स हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ अटैच होंगी उस मसल्स का हम लोग नाम देते हैं इट इज़ द स्मूथ मसल्स मीन्स हमारे बॉडी के अंदर तीन टाइप के मसल्स हो गए पहला है स्केल्टल मसल जो बोन के साथ अटैच है दूसरा है स्मूथ मसल्स जो हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन के साथ अटैच्ड है और तीसरा है कार्डियक मसल्स जो हार्ट के साथ अटैच्ड है मीन्स कार्डियक मसल सिर्फ हार्ट के साथ अटैच्ड होगा स्मूथ मसल्स हार्ट के अलावा और जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनसे अटैच्ड होगा और स्कैल्टल मसल हमारे बोन के साथ अटैच्ड होंगे जब हम मसल्स को स्टडी करते हैं तो हम ये पाते हैं कि इस मसल का जो मेन फंक्शन है दैट इज़ द मूवमेंट एंड लोको मोशन अब यहाँ पर दो वर्ड आ गए मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऐसा महसूस हो रहा है कि दोनों सिमिलर वर्ड है दोनों का मीनिंग एक है लेकिन जब हम इसको टेक्निकली देखेंगे तो मूवमेंट अलग चीज़ होती है और लोको मोशन अलग चीज़ होती है इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे अभी सिर्फ इतना जानते हैं कि जो हमारी बॉडी के अंदर मस्कुलर टिश्यूज हो, उन मस्कुलर टिश्यूज का मेन फंक्शन है दैट इज़ द मूवमेंट एंड लोको मोशन तो आज हम लोग इसी चैप्टर को शुरू करते हैं अबाउट द मस्कुलर टिश्यूज। इन मस्कुलर टिश्यूज को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये जानते हैं कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो जिस प्रॉपर्टी या जो कैरेक्टरिस्टिक्स सभी की मस्कुलर टिश्यूज़ के अंदर पाई जाएंगी मीन्स वो हमारा स्मूथ मसल हो या हमारा कार्डियक मसल हो या हमारा स्केल्टल मसल हो उनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स और ये प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं पहले हम लोग उन कॉमन प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर लेते हैं उसके बाद फिर हम लोग आएंगे इंडिविजुअली स्केटल मसल किसे कहेंगे स्मूथ मसल किसे कहेंगे और कार्डियक मसल किसे कहेंगे सबसे पहला प्रॉपर्टी है यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो हमारी जो मस्कुलर टिश्यूज़ हैं उन मस्कुलर टिश्यूज़ के अंदर सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है सिक्स प्रॉपर्टीज कॉमन है और ये प्रॉपर्टीज़ हैं दैट इज द एक्साइटेबिलिटी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी एक्सटेंसिबिलिटी एलास्टिसटी एडोप्टबिलिटी एंड मोटर एक्टिविटी ये छंक्शंस हैं क्या क्या नाम दिया गया एक्साइटेबिलिटी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी एक्सटेंसीबिलिटी एलास्टिसिटी एंड एडाप्टेबिलिटी और लास्ट हो गया दैट इज द मोटर एक्टिविटी अब आइए हम लोग एक एक करके जानते हैं कि एक्साइटेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब क्या हुआ इलास्टिसिटी का मतलब क्या हुआ एडाप्टिबिलिटी का मत मतलब क्या हुआ और मोटर एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ सबसे पहला वर्ड है एक्साइटेबिलिटी और इसी के लिए एक और वर्ड यूज किया गया दैट इज द इरिटेबिलिटी एक्साइटेबिलिटी और इरिटेबिलिटी एक्साइटेबिलिटी और इरिटेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं ये मसल्स का मेन फंक्शन हम लोगों ने जान ला कि ये लोकोमोशन और मूवमेंट का काम करती हैं लेकिन मसल्स इट ये काम नहीं कर सकती इन्हें नर्वस सिस्टम से नर्व सेल से नर्व फाइबर से मैसेज मिलता है इम्पल्स मिलता है या इन्फॉर्मेशन आती हैं कि आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है या आपको परफॉर्म करना है और वो जो इम्पल्स या जो मैसेज या जो स्टिमुलेशन नर्वस टिश्यू से आती हैं उस स्टिमुलेशन को मसल्स एक्सेप्ट करती हैं और उससे वो एक्साइटेड हो जाती हैं और उससे वो इरिटेट हो जाती हैं और फिर मसल्स अपनी ड्यूटी परफॉर्म करती हैं तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहेंगे इट इज द एक्साइटेबिलिटी मीन्स एक्साइटेशन बाय द नर्व इम्पल्स और नर्व स्टिमुलेशन दूसरा वर्ड है दैट इज द कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी मीन्स कि जैसे ही मसल्स को ये स्टिमुलेशंस मिलेंगे नर्व सेल से या नर्व फाइबर से मसल्स की प्रॉपर्टी होगी कि वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेगा मीन्स इसके अंदर एक प्रॉपर्टी हो गई दैट इज द कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी थर्ड है हमारा एक्सटेंसिबिलिटी एक्सटेंसिबिलिटी मीन्स कि यदि हम मसल्स के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो हम इसे आसानी से स्ट्रेच कर सकते हैं इस आसानी से हम इसके लेंथ को इस मसल फाइबर्स के लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं अप टू सम एक्सटेंट विदाउट एनी डैमेज हम उसके ऊपर कोई डैमेज भी नहीं करेंगे डैमेज भी नहीं होगा लेकिन यदि हम वहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो जो मसल्स होंगी वो मसल्स एक्सटेंड हो जाएंगी वो मसल्स से इस्ट्रेच हो जाएंगे लोग कहेंगे इट इज़ द एक्सटेंसिबिलिटी नेक्स्ट हमारा है दैट इज द एलास्टिसिटी एलास्टिसिटी मतलब क्या हुआ जब हम कोई भी मसल्स है जिसे हमने स्ट्रेच कर रखा है या जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है उसके ऊपर से हमने फोर्स को हटा दिया स्टिमुलेशन को हटा दिया तो वो अपने नॉर्मल स्टेज में वापस आ जाएंगे नॉर्मल स्टेज नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाएंगे और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इट इज द एलास्टिसिटी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज द एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्ट्रिस्टिक्स है हमारे इस मस्कुलर सिस्टम की या मस्कुलर टिश्यूज़ का यहाँ पर यह कहा गया कि हम इन मसल्स का जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे चलिए इसको यूज को बाद में करते हैं कि मसल्स की प्रॉपर्टी होती हैं मस्कुलर सेल्स की एक प्रॉपर्टी होती हैं मस्कुलर टिशूज़ की ये प्रॉपर्टी होती हैं कि अकॉर्डिंग टू यूज़ ये अपने साइज और अपने शेप को चेंज कर सकता है मीन्स यदि हमने इसका ओवर यूज किया तो इसका जो साइज होगा वो साइज इन लार्ज हो जाएगी और यदि हमने इन मसल्स का प्रॉपर यूज नहीं किया तो इनकी जो साइज होगी वो साइज स्मॉल हो जाएगी मीन्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये अपने साइज को अपने शेप को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट अपने साइज और शेप को ये चेंज कर सकते हैं और इसे हम लोग कहते हैं इट इज़ द एडेप्टेबिलिटी मैंने क्या कहा यह बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है मस्कुलर सिस्टम की अभी देखेंगे क्यों इंटरेस्टिंग है पहले हम लोग इसका जो लास्ट प्रॉपर्टी है उसके बारे में भी स्टडी कर लेते हैं यहाँ कहा जा रहा है कि जो मसल्स होंगी इस मसल्स के अंदर मोटर एक्टिविटी पाई जाती हैं जब हम वर्ड यूज करते हैं मोटर एक्टिविटी मीन्स कि उसके अंदर कोई गति या कोई मोशन या कोई मूवमेंट या लोकोमोशन होगा तब उसे समय क्या कहेंगे इट इज़ द मोटर एक्टिविटी मीन्स जो मसल्स टिश्यूज़ हैं इनके अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाएंगी कि ये बॉडी के केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर लेंगी और उस मैकेनिकल एनर्जी का यूज़ करते हुए बॉडी के अंदर मीन्स मसल्स के अंदर मूवमेंट या ऊपर जितने भी प्रॉपर्टी बताई गई हैं वो सारी प्रॉपर्टी वो सारी इफेक्ट आएंगी इस क्या कहेंगे इट इज़ द मोटर एक्टिविटी हमारे बॉडी में जो एनर्जी है वो एनर्जी ए टी पी के फॉर्म में पाया जाता है ए टी एंड पी इसे कहते हैं ट्राई ट्राईफॉस्फेट जब आप बायोकेमिस्ट्री स्टडी करेंगे तो वहाँ पे इसके बारे में आपको डिटेल में समझाई जाएगी अभी सिर्फ इतना ही जान लें कि ए एक करेंसी है एक यूनिट है हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी के रूप में पाई जाती हैं मीन्स बॉडी में जितना ज़्यादा ए होगा बॉडी के अंदर उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी और मसल्स की ये प्रॉपर्टी होती है ये जो एटीपी जो केमिकल फॉर्म में है मसल्स इनको मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर सकती हैं और उस एनर्जी का यूज़ करती हैं फॉर द डिफरेंट एक्टिविटीज़ लाइक लोकोमोशन एंड मूवमेंट तो ये हम लोगों ने जानना कि जो मस्कुलर टिश्यूज़ हैं इनके क्या क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या क्या कॉमन प्रॉपर्टीज हैं आइए अब हम लोग डायग्राम के थ्रू मसल्स के छह करैक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहला करैक्टरिस्टिक्स है दैट इज़ द एक्साइटेबिलिटी और इरिटेबिलिटी, जो हमारी मसल्स होंगी वो नर्व सेल से इम्पल्स एक्सेप्ट करेंगी इम्पल्स को रिसीव करेंगी और इम्पल्स या स्टिमुलेशन रिसीव करने के बाद जो हमारी मसल्स हैं उन मसल्स में एक्साइटेशन या इरिटेशन स्टार्ट होगा और ये अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करेंगी जो दूसरा फंक्शन है दैट इज कि जब वहाँ एक्साइटेशन आएंगे तो जो मसल्स होंगी वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी मीन्स मसल्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होगी कि इट हैज ए कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो थर्ड है कि यदि हम किसी भी शोर से मसल्स के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो मसल्स अपने ओरिजिनल पोजीशन से उसकी जो लेंथ होगी वो लेंथ इंक्रीज हो जाएगी विदाउट एनी डैमेज और इसे हम लोग कहेंगे इट इज़ द एक्सटेंसिबिलिटी एक लिमिट तक एक लिमिट तक हम फोर्स लगाएंगे तो उसका जो एक्सटेंसन होगा उसकी जो साइज़ होगी उसकी जो लेंथ होगी वो लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और उससे हम लोग कहेंगे इट इज़ द एक्सटेंसीबिलिटी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज़ द एलास्टिसिटी एलास्टिसिटी में क्या कहा गया कि जो हमारी मसल्स हैं वो मसल्स में स्टिमुलेशन आ रही हैं तो वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं और यदि हम मसल्स के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो मसल्स एक्सपेंड हो रही हैं और जब हम उस मसल्स के ऊपर किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं करेंगे तो वो अपने ओरिजिनल पोजिशन में आ जाएंगे मीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट होंगी वो रिलैक्स हो जाएंगी और जो स्ट्रेच्ड होंगी वो फिर अपने ओरिजिनल पोजिशन पर आ जाएंगी मीन्स कि उसकी जो लेंथ होगी वो लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती हैं और इसे हम लोग कहते हैं इट इज़ द एलास्टिक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज द एडेप्टेबिलिटी एडेप्टेबिलिटी मीन्स क्या कहा गया कि एडेप्टेबिलिटी मीन्स क्या हुआ कि जो मसल्स हैं मसल्स के ऊपर उनकी जो मास है या उनकी जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम डिपेंड करेगा अपॉन वर्क परफॉर्म बाय द मसल्स अब ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है सबसे पहला फैक्टर तो ये कहा गया कि यदि हम मसल्स को ज़्यादा वर्क फोर्स करेंगे ज़्यादा वर्क परफॉर्म करेगा तो उस कंडीशन में जो मसल्स होंगे मसल्स की जो साइज़ होंगी वो साइज़ इन हो जाएंगी और यदि हम मसल्स को रेस्टिंग पोजिशन में रखेंगे लंबे समय तक तो उसकी जो साइज होगी वो साइज़ डिक्रीज हो जाएंगी अब आप सभी एक्सरसाइज करते होंगे सभी नहीं तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज करते होंगे और उनके एक्सरसाइज करने का जो मेन पर्पस है या जो मेन उद्देश्य है मेन गोल है दैट इज टू फॉर्म मसल्स और टू बिल्ट मसल्स ये बाइसेप्स और ये ट्राइसेप्स है इन बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को बनाना और उसके लिए हम क्या करते हैं पुशअप करते हैं वेट लिफ्टिंग करते हैं और भी बहुत सारे एक्सरसाइज करते हैं मींस हम अपने मसल्स के ऊपर स्ट्रेस डालते हैं उस ओवर ड्यूटी लेते हैं वो ओवर ड्यूटी परफॉर्म करता है एक्सेस ड्यूटी परफॉर्म करेगा नतीजा क्या होगा कि जो मसल्स होंगे मसल्स का साइज इन हो जाएगा और हम कहेंगे हमारी बॉडी बिल्डिंग हो गई और हमारे जो होगा वह होगा कि हमारी जो, जो बॉडी है वो वी शेप की होगी अब ये जो वी की हो रही हैं या जो मसल्स का फॉर्मेशन हो रहा है या एब्डोमेन पे कहते हैं एब पैक्स बन जा रहे हैं ये जो एब्डोमेन की पैक्स बन रही हैं या आपके मसल्स जो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स है उसका साइज इंक्रीज हो रहा है वो क्यों हो रहा है तो ड्यू टू ओवर यूज ऑफ द मसल्स और उसके चलते मसल्स ने अपने साइज को इंक्रीज कर दिया अभी सपोज करें कि कोई पर्सन है वो हमेशा रेस्टिंग मूड में है मीन्स अपने मसल्स का ज़्यादा यूज नहीं कर रहा है उस कंडीशन में उसका जो मसल्स होगा वो मसल्स थिन हो जाएगा जैसे यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है कि जो उसका मसल्स हैं वो मसल्स के और घोड़ी हमारी थिन हो गई हैं थीन मीन कि जो लेग्स के मसल्स हैं वो मसल्स डिग्रेड हो गई हैं और मसल्स का जो अमाउंट है वो बहुत ही कम हो गया तो दोनों कंडीशन है कि ज़्यादा हम यूज़ करेंगे तो उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा और कम यूज़ करेंगे या नहीं यूज़ करेंगे तो उसका साइज़ क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा एंड इट इज़ कॉल्ड द एडेप्टेबिलिटी अब हम लोग इसी को थोड़ा सा टेक्निकली समझते हैं कि जो एडेप्टिबिलिटी है इसको दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है एक को कहते हैं हाइपर ट्रॉफी और दूसरे कहेंगे ए ट्रॉफी मीन्स कि हमने मसल्स का ज़्यादा यूज़ कर लिया और मसल्स की साइज नॉर्मल से ज़्यादा इंक्रीज हो गई तो उसके लिए जो वर्ड है दैट इज़ द कॉल हाइपर हाइपर ट्रॉफी दिस इज दाइपर ट्रॉफी और यदि वहाँ पे हम यूज नहीं कर रहे हैं मसल्स का मसल्स की वेस्टिंग हो रही है मसल्स कम हो रहे हैं मसल्स की थिनिंग हो रही है तो उसके जो वर्ड यूज है दैट इज़ कॉल्ड द ए ट्रॉफी मेन्स हो गया हमारा हो गया हाइपर ट्रॉफी एंड ए ट्रॉफी अब आइए अपने सब्जेक्ट से थोड़ा सा अलग हटते हैं जनरल जो हमारी लाइफ है उसके बारे में बात करते हैं क्या जो ये मसल्स हम बना रहे हैं ये मसल्स ठीक हैं जो हम ओवर यूज़ कर रहे हैं ओवर स्ट्रेस कर रहे हैं अपने मसल्स पे, बाय वेट लिफ्टिंग या पुशअप पे, तो क्या ये ठीक है हमारे फ्यूचर के लिए इससे क्या होगा कि टेम्पररी हमें रिलीफ जरूर मिलेंगी रिलीफ मीन्स हमारी जो बॉडी है वो बॉडी बिल्ट हो जाएंगी हमारी बॉडी अट्रैक्टिव हो जाएंगी लेकिन जब हम मसल्स को एक्सरसाइज करना छोड़ देंगे एक ऐसा पॉइंट आएगा कि आप डे टू डे एक्टिविटी में डे टू डे लाइफ में ज़्यादा बिजी हो जाएंगे और अपने आप को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे टू बिल्ड मसल्स और फॉर द एक्सरसाइज पर्पस। उस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी जो मसल्स होंगी वो मसल्स की एट्रोफी शुरू हो जाएंगी मसल्स का डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगा अब जब मसल्स की वॉल्यूम बढ़ी थी तो उस समय स्किन जो थी वो स्किन हमारी स्ट्रेच हो गई और जब हमारी मसल्स की वॉल्यूम कम होंगी तो क्या होगा स्किन हमारी नॉर्मल में आएंगी और नतीजा क्या होगा कि स्किन पर इस तरह के मार्क्स दिखाई देंगे और ये मार्क्स हमारे परमानेंट मार्क्स बन जाएंगे मीन्स कि मसल्स तो खत्म हो गई थोड़ी समय के बाद एक साल दो साल या तीन साल के बाद लेकिन जो ये स्ट्रेच मार्क्स बन गई स्किन के ऊपर वो परमानेंट हो जाएंगी और वो लंबे समय तक वहाँ पर वो मौजूद रहेंगी ऐसा स्ट्रेच मार्क प्रिग्नेंट लेडी में भी देखा जाता है जैसे सपोज करें कि प्रेगनेंसी है प्रेगनेंसी के बाद लेडीज़ की जो वुमेन होंगी लेडीज़ ले, लेडी का जो स्टमक होगा वो स्टमक पे इस तरह के स्ट्रेच मार्क आ जाती हैं क्योंकि पहले क्या हुआ कि जो स्टमक है उसका स्किन स्ट्रेच हो गया और आफ्टर डिलीवरी वो स्टमक अपने नॉर्मल पोजीशन में आ गई तो वहाँ पर इस तरह के स्ट्रेच मार्क दिखाई देते हैं तो ठीक ऐसा ही स्ट्रेच मार्क जेंट्स में भी या कोई भी गर्ल्स भी क्यों ना हो जो बॉडी बिल्ड कर रही हैं या बॉडी बिल्ड वो कर रहे हैं और उन्होंने बॉडी बिल्डिंग का काम बीच में छोड़ दिया तो जब उनका मसल्स होगा वो मसल्स धीरे धीरे डिग्रेड होने लगेगा मसल्स तो खत्म हो जाएंगे लेकिन वहाँ पर एक जो स्ट्रेच मार्क्स है स्क्रैच मार्क्स हैं वो मार्क्स स्किन पे रह जाएगा तो जब अब भी आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हों मसल्स को बना रहे हों इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे एक पॉइंट और है हम सभी को मालूम है कि हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं वो मसल्स का हम जब यूज़ करते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो थक जाती हैं थोड़ी देर के बाद वो टायर्ड हो जाती हैं और उन्हें रेस्ट करने की आवश्यकता होती हैं और रेस्ट होने के बाद वो अपने आप को रिज्यूवनेट करती हैं और रिज्यूवनेट होने से फिर उसके अंदर दोबारा हम उसका वर्क उसका यूज कर सकते हैं हब फॉर द मूवमेंट एंड लोकोमोशन पर्पस लेकिन हमारी बॉडी के अंदर एक मसल्स ऐसा है जो मसल्स कंटिन्यूस काम करता रहता है रेगुलर काम करता रहता है विदाउट ब्रेक नन स्टॉप वो वर्क करता रहेगा जब तक हम जिंदा रहेंगे जब तक हमारी बॉडी लाइव रहेगी और उस मसल्स में कभी भी किसी भी तरह का कोई स्टॉपेज नहीं होता और वो मसल्स हैं कार्डियक मसल्स से हार्ट मसल्स तो अब आप ये सोचने की कोशिश कीजिए कि हम जब कोई फिजिकल वर्क करते हैं एक्सरसाइज कर रहे होंगे या कोई भी फिजिकल वर्क कर रहे हैं तो हमारे मसल्स में थकावट आ जाती है और हमें रेस्ट करने की आवश्यकता होती है लेकिन वहीं पर एक मसल्स ऐसा है जो कार्डियक मसल्स हैं हार्ट के मसल्स हैं वो मसल्स कभी नहीं थकते कंटिन्यूस वो काम करते रहते हैं ऐसा कैसे ऐसा क्या होता है कि जो मसल्स हैं वो मसल्स कंटिन्यूस वर्क करते रहते हैं हम लोग इसके बारे में जब हमारी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी तब हम लोग ये जानेंगे कि ए मसल हाउ मसल मसल्स एक्ट कंटिन्यूसली जबकि जो दूसरे मसल्स हैं उन मसल्स को रेस्ट की आवश्यकता महसूस होगी आफ्टर द परफॉर्मिंग सम ड्यूटी चलिए अब हम लोग अपने सब्जेक्ट पे आते हैं अपने पॉइंट पे आते हैं हम लोगों ने ये स्टडी कर लिया कि जो मसल्स हैं उस मसल्स का एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं अब हम लोग थोड़ा सा ये जानते हैं कि जो मसल्स हैं उन मसल्स का मेन फंक्शन क्या है अब हम लोग ये फंक्शन जान चुके हैं दो फंक्शन तो हम जान चुके हैं कि ये मूवमेंट का, का काम करता है और ये लोकोमोशन का, का काम करता है मसल्स का फर्स्ट ड्यूटी क्या हो गई दैट इज द मूवमेंट सेकेंड ड्यूटी क्या हो गई दैट इज द लोकोमोशन तीसरी ड्यूटी है कि हमारे बॉडी के पोस्चर को मेंटेन रखता है हमारे बॉडी की जो ज्वाइंट्स हैं उन जॉइंट्स को ये कवर करके रखेगा और हमारी बॉडी के अंदर हीट भी जनरेट करता है तो कौन कौन से फंक्शंस हो गए पहला फंक्शन हो गया हमारा दैट इज़ द मेंटेन द बॉडी पोस्चर। जो दूसरा फंक्शन है दैट इज़ द that is the to wrap or to protect joints bones ki iske alawa jo functions hai that it produce heat in our body aur ye hum log jaan chuke hain movement and locomotion ab dekhiye ab hum log yahan pe janenge कि movement और locomotion में क्या फर्क है दोनों को हम कैसे differentiate करेंगे मूवमेंट का मतलब क्या हो गया कि जैसे सपोज करें कि हमारी बॉडी है वो बॉडी एक जगह पे स्टेगनेंट है लेकिन बॉडी का जो पार्ट है वो पार्ट फ्लैक्स है उस पार्ट के अंदर मूवमेंट हो रही है वो पार्ट एक जगह से मतलब एक प्लेस से दूसरी जगह मूव कर रहा है जैसे हमारी हेड है तो हेड हमारी ये मूव कर रही है तो दिस इज़ द मूवमेंट हमारी हाथ है हैंड है इस हैंड के अंदर मूवमेंट हो रही है बॉडी अपने जगह पर स्टेगनेंट है लेकिन हैंड में मूवमेंट हो रही है तो दिस इज कॉल्ड मूवमेंट हम बैठे हैं हमने एक हमारी जो लेग्स हैं वो लेग्स अपार्ट हो रही हैं दिस इज द मूवमेंट तो ये जो सारी स्टेप्स आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो सारी कंडीशनस है दिज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द मूवमेंट और लोकोमोशन का मतलब क्या हो गया कि जब हमारी बॉडी का प्लेस चेंज हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस हम दौड़ कर रहे हैं हम जॉगिंग कर रहे हैं हम वॉकिंग कर रहे हैं तो उस समय जो हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट हो रही है उस समय क्या कहेंगे इट इज द लोको मोशन मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि मूवमेंट और लोकोमोशन क्या होता है यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट इंट चलिए इसको समझने से पहले मूवमेंट का हम एक और एग्जांपल देते देखते हैं जैसे हम फूड ले रहे हैं तो जो फूड होगा माउथ में एंटर करेगा माउथ में तो हमने अपने टंग के थ्रू उसको प्रेस कर दिया तो अब जो हमारी जो टंग के अंदर जो वर्क हो रहा है दैट इज द मूवमेंट ऑफ टंग, दैट इज़ नॉट ए लोको मोशन दूसरा क्या हुआ कि वो जो फूड है वो फूड हमारी ओसोफेगस या डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर की अब वो माउथ से डाइजेस्टिव सिस्टम से होते हुए स्टमक में जाएगी इंटेस्टाइन में जाएगी लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगी और एन के थ्रू बॉडी से बाहर मूव हो जाएंगी अब इसकी जो मूवमेंट हो रही है, वो किसके चलते हो रही है? ड्यू टू मूवमेंट इन मसल्स ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम ये हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम है इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मूवमेंट हो रही हैं ये हमारी फूड है ये फूड धीरे धीरे नीचे को मूव कर रही हैं और ये मूव जो हो रही हैं किसके चलते हो रही हैं ड्यू टू मूवमेंट इन डाइजेस्टिव सिस्टम और इस मूवमेंट को लोग कहते हैं इट इज द स्टाइल्टिक मूवमेंट जो नेक्स्ट फंक्शन बताया गया क्या क्या फंक्शन था मूवमेंट लोकोमोशन, बॉडी पॉस्चर एंड जॉइंट रैपिंग या जॉइंट का प्रोटेक्शन एंड जनरेशन ऑफ द हीट ये देखिए बॉडी पोस्चर भी यहाँ पे आप देख रहे होंगे बॉडी पोस्चर से क्लियर है कि हम हम जिस भी कंडीशन में स्टैंडिंग में हो या लेन कंडीशन में हो या सीटिंग कंडीशन में हो ये सारी की सारी कंडीशन जो होंगे वो किससे कंट्रोल होंगे तो बाई द मसल्स अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर आ गए जैसे आप खाना खा रहे होते हैं तो आप महसूस करते होंगे कि आपके फोर हेड पे पसीदा आ गया मीन्स आपके बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है आप दौड़ भाग लगा रहे हैं दौड़ भाग लगाने से आपकी जो बॉडी में स्वेटिंग हो रही है मीन्स बॉडी का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है हम बहुत ठंड लग रही हैं तो हमारे बॉडी में शिवरिंग होती है शिवरिंग मतलब कपकपी सी आती है मीन जो मसल है मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हैं तो कभी सोचा आपने कि भोजन करने से हमारी बॉडी का टेम्परेचर कैसे इंक्रीज हो रहा है दौड़ लगाने से हमारे बॉडी का टेम्परेचर कैसे इंक्रीज़ हो रहा है हमें जब ठंड लगती है तो हमारी बॉडी में शिवरिंग क्यों हो रही हैं इन सभी का एक ही आंसर है कि जो मसल्स हैं मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो उससे हीट रिलीज होता है जैसे हम भोजन करेंगे तो भोजन करने से क्या होगा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इस डाइजेस्टिव सिस्टम में पैरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट होगी मीन्स जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं ताकि फूड धीरे धीरे फूड पाइप में आगे की तरफ प्रोसीड करें और वहाँ से क्या हो रहा है हमारी उस सिलेक्शन से फूड तो जनरेट फूड की तो मूवमेंट हो रही है लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी वो हीट भी जनरेट हो रही है जो हम महसूस करते हैं एज ए स्वेटिंग ऑन योर फोर हेड हम जब दौड़ लगा रहे होते हैं दौड़ लगाते समय भी हमारी मसल्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो वहाँ हीट जनरेट होगा तो दौड़ लगाने के बाद हमें टेम्परेचर महसूस होती है कि हमारी बॉडी में गर्मी ज़्यादा आ गई जब आसपास का टेम्परेचर डाउन हो बहुत ठंड का मौसम हो विंटर का मौसम है और उस समय क्या होगा कि हमारी बॉडी को हीट की आवश्यकता है और हम बॉडी को हीट नहीं दे पा रहे हैं तो बॉडी के अंदर अपनी मैकेनिज्म होगी कि बॉडी की जो मसल्स हैं जो स्केल्टल मसल्स हैं उनके अंदर शिविरिंग स्टार्ट हो जाएंगी और वो जो शिवरिंग स्टार्ट होंगी उस शिवरिंग से क्या होगा हीट जनरेट होगा और हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो टेम्परेचर मेंटेन रहेंगी तो ये सारी फंक्शंस हैं दीज आर द फंक्शंस ऑफ द मसल्स इन तो आवर बॉडी क्या क्या फंक्शन हो गया मूवमेंट लोकोमोशन मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी पोस्चर एंड रैपिंग ऑफ द ज्वाइंट्स और टू गिव सपोर्ट टू जॉइंट्स तो ये सारी हमारी फंक्शंस हो गई दीज आर द फंक्शंस ऑफ द मस्कुलर सिस्टम्स या मसल्स इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जैसे मान लीजिए कि हमारी हार्ट है उस हार्ट में वॉल्व्स होते हैं यहाँ जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इस डाइजेस्टिव सिस्टम में भी वॉल्व्स होते हैं ये वॉल्व्स कैसे होते हैं जब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम स्टडी करेंगे वहाँ जानेंगे कि वॉल्वस क्या होता है लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना जानिए कि हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में वॉल्व्स पाई जाती हैं और ये जो वॉल्व्स हैं वो वॉल्व्स भी मसल्स की बनी हुई होती हैं एक और हमारी जो आइज हैं आइज़ की जो साइज़ है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती हैं मान सपोज करें कि हम बहुत ब्राइट लाइट में चले जाएंगे हमारी साइज क्या हो जाएगी आई इसकी वो छोटी हो जाती है और जब हम डार्क लाइट में जाएंगे तो हमारी आई की साइज होती है वो बड़ी हो जाती है मीन्स जो पिपिल साइज़ है ये पिपिल साइज पिपिल मीन्स कि जो आई की जो साइज़ है ये साइज की जो कंट्रोल होंगी वो किससे कंट्रोल होती है दैट इज द मसल्स और लास्ट हो गया दैट इज़ द काज गूज बम्प्स अब यहां वर्ड है गोज बम्प्स वट इज द मीनिंग ऑफ गोज बम्पस आप ऐसा महसूस करते होंगे कि आपको अचानक डर लग रहा है किसी जगह पे तो आपके बॉडी के जो रोंगटे हैं रोंगटे खड़े हो गए जो स्किन है स्किन में कुछ आपको स्टैंडिंग कुछ कुछ खुरदरा सा रफ सरफेस महसूस होगा तो वो जो रफ सरफेस महसूस हो रहा है वो जो रोम रोम हमारे खड़े हो जा रहे हैं हमारे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं उसके लिए जो अंग्रेजी में वर्ड है दैट इज द गूज बम्प्स मीन हमारे बॉडी में जो गूज बम्प्स डेवलप होते हैं ये गूज बम्प्स भी किसके चलते डेवलप होते हैं द बाई द मसल्स तो दीज आर द सम फंक्शंस ऑफ द मस्कुलर सिस्टम बॉडी मसल्स तो इस तरह से हम लोगों ने यह जाना कि जो मसल्स हैं उन मसल्स का क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या कॉमन प्रॉपर्टीज हैं और मसल्स कौन कौन सी ड्यूटी परफॉर्म करती हैं या कौन कौन सा काम करता है अब हम लोग और एक कॉमन फीचर के बारे में जानते हैं कि जो मस्कुलर मस्कुलर टिश्यूज हैं उनकी जो मसकुलर सेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होगा ये स्ट्रक्चर तीनों में कॉमन है हम लोग क्या स्टडी किया कि थ्री टाइप की मसल्स हैं स्केल्टल मसल्स स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स और ये जो मस्कुलर टिश्यूज हैं वो किसकी बनी होंगी मसल सेल्स की बनी होंगी मस्कुलर सेल्स की बनी होंगी तो वो जो मस्कुलर सेल्स का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर क्या है अब हम लोग उस स्ट्रक्चर के बारे में जानने और समझने की कोशिश अभी तक हम लोगों ने ये जाना कि मस्कुलर टिश्यूज के क्या फंक्शंस हैं डिफरेंट टाइप्स की मस्कुलर टिश्यूज हैं एज स्केल्टल मसल्स स्मूथ मसल्स या कार्डियक मसल्स और ये जो मसल्स हैं इन मसल्स के कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स उनके कॉमन प्रॉपर्टीज या उनके कॉमन फीचर्स क्या हैं वो भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं अब हम लोग स्टडी करेंगे रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ द मस्कुलर टिशूज़ वेरी सिंपल कि टिशूस थ्री टाइप्स की हैं तो हर एक टाइप का अपना अलग अलग स्ट्रक्चर होगा फिर भी कुछ फीचर्स ऐसे होंगे जो कॉमन है वो तीनों मस्कुलर टिश्यूज़ में पाई जाएंगी तो हम उन्हीं कॉमन फीचर्स का आज ही आज स्टडी करेंगे उन्हीं कॉमन फीचर्स को हम जानने की कोशिश से करेंगे सबसे पहला पॉइंट कि जो मस्कुलर टिश्यूज हैं वो मसल फाइबर्स की बनी हुई होती हैं मींस बहुत सारे मसल फाइबर्स मिल करके मस्कुलर टिश्यूज का फॉर्मेशन करते हैं या मसल्स का फॉर्मेशन करते हैं जो ये मस्कुलर फाइबर्स हैं या जो मसल फाइबर्स एक्चुअल में ये फाइबर हैं इट इट्स सेल्फ इज ए सेल कि ये मस्कुलर सेल है लेकिन इन मस्कुलर सेल्स का इतना ज़्यादा एलोंगेशन हो गया है कि वो फाइब्रस शेप में कन्वर्ट हो गई हैं और इसलिए हम इस टिश्यू या इस सेल का नाम दे रहे हैं इट इज़ मसल फाइबर जो फोर टाइप्स की टिश्यू हम लोगों ने स्टडी किया उनमें से दो टिश्यू मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, इनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो फाइब्रस सेल्स होंगे जैसे नर्वस टिश्यू के अंदर जो सेल होगा उसे कहेंगे नर्व फाइबर्स ठीक उसी तरह से जो मस्कुलर टिश्यूज़ के अंदर सेल्स होंगी उस हम लोग कहेंगे इट इज मसल फाइबर्स अब ये जो मसल फाइबर्स हैं अच्छा आगे जाने से पहले थोड़ा सा हम लोग स्टॉप करते हैं किसी और टॉपिक पे आते हैं हम लोगों ने पिछली क्लास में कनेक्टिव टिश्यू स्टडी किया और वहां हम लोगों ने ये जाना कि कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर एलास्टिक फाइबर्स पाई जाती हैं या कोलाजन फाइबर्स पाई जाती हैं जिसका दूसरा नाम हम लोग येलो फाइबर्स या वाइट फाइबर्स भी लिखा था या जानना था हम लोगों ने वहाँ पे जो हमने फाइबर स्टडी किया इलास्टिक फाइबर हो या कोलाजन फाइबर हो या वाइट फाइबर हो कुछ भी नाम दें दैट वॉज द कॉम्पोनेंट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू सेल्स कि जो कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर जो सेल्स हैं उनका एक कॉम्पोनेंट था और वो नॉन लिविंग पार्ट था हमारे कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स का यहाँ पे जो हम फाइबर यूज कर रहे हैं ये इट सेल्फ इज ए सेल इट इज़ नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ ए सेल ये इट्सल्फ सेल है और इसलिए क्या है इट इज़ ए लिविंग हम ये लिविंग पार्ट है लिविंग कॉम्पोनेंट है अब आइए हम जानते हैं कि जो मसल फाइबर्स हैं उन मसल फाइबर्स का क्या स्ट्रक्चर है सबसे पहले कि जो मसल फाइबर्स हैं ये मसल फाइबर्स प्रोटीनस इन नेचर होंगी जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होगी कॉन्ट्रेक्टाइल मीन्स कि उनके अंदर कैपेसिटी होंगी कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकेंगे मीन्स कि मसल फाइबर्स आर कॉन्ट्रेक्टाइल फाइबरस सेल्स ये कॉन्ट्रेक्टाइल फाइबरस सेल्स हैं और बहुत सारे ये मसल फाइबर्स आपस में यूनाइट होंगे यूनाइट होकर मसल या मस्कुलर टिश्यूज का फॉर्मेशन करेंगे अब ये जो हमारी मसल फाइबर्स हैं ये मसल फाइबर्स अगेन छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से या फाइब्रस स्ट्रक्चर से बनी होती हैं और इसका जो छोटी छोटी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उस फाइबर का उस हम लोग कहेंगे इट इज फाइब्रिल्स एफ आई बी आर आई एल एस इस फाइब्रिल्स का एक और नाम होता है मायो फाइब्रिल्स जहाँ भी वर्ड मायो आए उस मायो का मतलब क्या होता है मसल्स मींस वैसा फाइब्रिल जो मसल फाइबर्स के अंदर पाई जाती हैं उसे हम नाम देंगे इट इज़ द मायो फाइब्रिल्स इसी तरह से हम लोग मसल फाइबर्स का भी एक और नाम दे सकते हैं दैट इज द मायो फाइबर्स मायो फाइबर्स वर्ड यूज़ करें या मसल फाइबर्स यूज करें करे, एक ही बात है माओ फाइब्रिल वर्ड यूज करें या मसल फाइब्रिल यूज़ करें एक ही बात है मीन्स बहुत सारे छोटे छोटे फाइन फाइब्रिल्स आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे हम लोग कहेंगे इट इज द मसल फाइबर्स इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास एक ये पेन है सपोज करें ये पेन हमारी मसल फाइबर है इस पेन के अंदर हमने एक रिफिल डाला तो ये जो रिफिल हुआ दैट इज द मायोफाइब्रिल अब ऐसे ऐसे बहुत सारे सारिफिक दी एक पेन के अंदर बंद हैं और एक बंडल बना रहे हैं एक बंच बना रहे हैं तब हम उस बंडल या उस बंच का क्या नाम देंगे इट इज़ द मशल फाइबर्स कि बात है मसल फाइबर किसके बने होते की बने होते होते हैं हैं फाइब्रिल्स बनेंगे Means एक मसल फाइबर में बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स होंगे और सारे मायो आपस में यूनाइट होंगे और यूनाइट होकर एक बंडल बनाएंगे और उस बंडल का हम नाम देंगे इट इज द मसल फाइबर्स अब ये जो हमारी मसल फाइबर्स है जो मसल सेल्स है एक्चुअल में इनके अंदर भी प्लाज्मा पाई जाती है जैसे हम लोगों ने सेल के अंदर स्टडी किया था कि सेल में साइटोप्लाज्म पाई जाती हैं तो ठीक इसी तरह से इस मायोफाइबर्स में या मसल फाइबर्स के अंदर भी साइटोप्लाज्म पाई जाएंगी लेकिन हम उस साइटोप्लाज्म का यहाँ पे नाम देते हैं इट इज सर्को इसका हम नाम क्यों देंगे क्या डिफरेंस है साइटोप्लाज्म और सर्कोप्लाज्मे इसके लिए हम लोग अलग क्लास में स्टडी करेंगे यहाँ सिर्फ इतना जान लें कि मशल फाइबर के अंदर जो साइटोप्लाज्म है जो लिक्विड कंपोनेंट है उसका नाम दिया गया इट इज़ द सर्को और इसी सर्को के अंदर बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स पाई जाती हैं और वो सारे मायोफाइब्रिल्स मिलकर एक बंडल बनाएंगी और उस बंडल को नाम देंगे इट इज द मशल फाइबर्स अब सपोज करें कि हमारे पास एक ये मशल फाइबर्स है तो इस मसल या हमारे पास ये मसल फाइबर है इस मसल फाइबर के ऊपर भी एक स्ट्रक्चर पाई जाएगी एक कवरिंग पाई जाएगी जैसे वहाँ पे हम लोगों ने स्टडी किया था उसका नाम दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब हम सेल के स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे थे उन्होंने क्या नाम दिया उसका दैट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर पाई जाएगी और इसका हम नाम देंगे इट इज़ द सर्को ये हमारे स्ट्रक्चर है इट इज द सर्को लेमा मीन्स कि मायोफाइबर्स के ऊपर कनेक्टिव टिश्यूज का लेयर पाया जाता है और इसे कनेक्टिव टिश्यू नहीं कहेंगे इसके ऊपर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है और उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम नाम क्या देंगे इट इज द सर्को लेमा ये तो हम लोगों ने जाना रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ द मायो फाइबर्स या मसल फाइबर्स अब ये जो मसल फाइबर्स हैं अब सपोज करें कि हमारे पास एक ये मसल फाइबर्स दिस इज द मसल फाइबर्स अब ऐसे ऐसे बहुत सारे मसल फाइबर्स आपस में यूनाइट होंगे और यूनाइट होकर एक बंडल बनाएंगे अब ये जो बंडल होंगी इस बंडल को फिर ऐसे ऐसे बहुत सारे बंडल आपस में इकट्ठा होंगे और फिर एक दूसरे बंडल बनाएंगे और वो जो बंडल बनेंगे उस बंडल को क्या कहते हैं इट इज द मसल्स क्या कहा गया कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है कि मायो फाइब्रेल्स आपस में मिलेंगे बंच बनाएंगे बंडल बनाएंगे जिससे हम कहेंगे इट इज मायो फाइबर बहुत सारे मायो फाइबर आपस में मिलेंगे वो एक और दूसरा बंडल बनाएंगे और फिर ऐसे से बहुत सारे बंडल आपस में मिलेंगे और फिर वो मसल्स का फॉर्मेशन करेंगे पहला क्या हो गया हमारा फर्स्ट बंडल इज द मायोफाइबर, फिर सेकेंड बंडल और फिर थर्ड बंडल जो तीसरा बंडल बन रहा है इज़ द मायोफाइब, दैट इज द बात अब ये? अब जो बंडल्स आपस में बन रहे हैं ये बंडल्स एक दूसरे से यूनाइट हैं, और इसके लिए इन बंडल्स के ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यूज का लेयर पाया जाता है हम लोगों ने स्टडी किया था कनेक्टिव टिश्यू में ये दो टिश्यूज को या दो सेल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो अब यहां पर कनेक्टिव टिश्यूज के लेयर्स पाई जाएंगी और ये जो कनेक्टिव टिश्यूज के जो लेयर्स हैं वो थ्री टाइप्स के हैं एक का नाम दिया गया एपी माइसियम, दूसरा का नाम दिया गया पेरी माइसियम और तीसरे का नाम दिया गया एंडोमाइसियम पेरी पेरीमाइशियम एंड एपी माइशियम देखिए जब मसल फाइबर्स के ऊपर जिस कनेक्टिव टिश्यूज़ का लेयर होगा उस कनेक्टिव टिश्यूज़ के लेयर का हम नाम देते हैं इट इज़ द एंडो मीन्स अंदर जो सबसे अंदर वाली जो पार्ट है जो सबसे अंदर वाली जो बंडल है उस बंडल के ऊपर जो कनेक्टिव टिश्यूज़ के लेयर है उसका नाम क्या दिया गया एंडो और ये कौन सी कनेक्टिव टिश्यू है तो इट इज़ द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज़ प्रजेंट ऑन द मसल फाइबर्स अब बहुत सारे मसल फाइबर्स आपस में मिलकर एक बंडल बनाएंगे और उन बंडल के ऊपर भी एक कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होगा जिसे हम कहेंगे पेरीमाइसी पेरी मीन्स पेरी पेरीफेरी किनारा तो फर्स्ट बंडल मसल मसल फाइबर जो दूसरा बंडल बना उसका हम लोग नाम देते हैं इट इज द फैशिकल और इस फैशिकल के ऊपर जो नेक्टिव टिश्यू का लेयर है लेट इज कॉल्डियम अब ये जो है, जो दूसरा बंडल है वो बंडल भी आपस से मिलकर एक तीसरे बंडल का फॉर्मेशन करेंगी और उनके ऊपर भी एक कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होगा और उसे लोग कहेंगे इट इज द एपी माइसियम। एपी मीन्स आउट या अपर साइड सबसे बाहर वाली जो लेयर है वहाँ पर जो टिश्यू जो कनेक्टिव टिश्यू पाई जाएंगी लेयर पाई जाएंगी उसे लोग क्या कहेंगे इट इज़ द एपी जो हमारा एपी है इट इज़ द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू याद होगा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है जो पेरी है इट इज़ द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और जो एंडो है दिस इज द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज तो इस तरह से हम लोगों ने ये जाना कि जो मसल फाइबर्स हैं या जो मस्कुलर टिश्यूज हैं उन मस्कुलर टिश्यूज का कॉमन फीचर्स क्या हैं कॉमन स्ट्रक्चर क्या है, है? अब इनमें थोड़ी थोड़ी सी वेरिएशन होगी और उस वेरिएशन के अकॉर्डिंग जो हमारी मस्कुलर टिश्यूज़ हैं उसको हम लोग डिफरेंट टाइप्स या डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि मस्कुलर टिश्यूज कितने टाइप्स की होती हैं हमारी जो मस्कुलर टिश्यूज़ हैं इन मस्कुलर टिश्यूज़ को हम लोग डिफरेंट कैटेगरी या डिफरेंट बेसिस पे अलग अलग टाइप में डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट डिवीज़न है डिपेंड अपॉन देयर लोकेशन कि वो हमारे बॉडी के किस पार्ट में पाया जा रहा है मस्कुलर टिश्यू उसके अनुसार उसका नाम दे सकते हैं दूसरा कि वो जो मस्कुलर टिश्यू है उसका कैसा स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग मस्कुलर टिश्यूज़ को डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड या डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं या जो हमारे मस्कुलर टिश्यूज़ हैं उन मस्कुलर टिश्यूज़ के अंदर जो कंट्रैक्शन हो रही हैं उस उस कंट्रैक्शन का क्या बेसिस है क्या आधार है उसके अकॉर्डिंग भी हम मस्कुलर टिश्यूज़ को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं तो सबसे पहले यदि सपोज करें कि हम लोकेशन वाइज मस्कुलर टिश्यू को डिवाइड करना चाहें तब हम इन मस्कुलर टिश्यूज़ को थ्री कैटेगरी में डिवाइड करते हैं एक को कहेंगे स्केल्टल मसल, दूसरे कहेंगे स्मूथ मसल और तीसरे को कहेंगे इट इज़ द कार्डियक मसल्स। क्या नाम हो गया स्केल्टल मसल्स स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स मीन्स कि जो मसल्स बोन से अटैच्ड है उसे हम कहेंगे इट इज़ द स्केलेटल मसल जो मसल्स हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन के साथ अटैच्ड है उसे हम लोग कहेंगे इट इज़ द स्मूथ मसल्स और वो मसल्स जो हार्ट के साथ अटैच्ड है उसे हम लोग कहेंगे इट इज़ द कार्डियक मसल्स मीन्स मसल्स थ्री टाइप्स की हो गई यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें जो हम स्ट्रक्चर भी हमने स्टडी किया जस्ट इससे पहले तो उसके अनुसार हम इन मस्कुलर टिश्यूज़ को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं एक को कहेंगे एस्ट्रिएटेड मसल और दूसरे कहेंगे नॉन एस्ट्रिएटेड मसल्स यदि कोई मसल्स ऐसा है जो जिस मसल्स के अंदर मसल फाइबर्स पैरेलल अरेन्ज्ड है जस्ट एक दूसरे के वो अरेंज मींस एक मसल फाइबर फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा मींस जो सारे की सारी मसल फाइबर्स है वो सारी सारी मसल फाइबर्स पैरेलल अरेन्ज्ड है तब हम उसे कहेंगे इट इज द एस्ट्रिएटेड मसल फाइबर्स दिस इज द एस्ट्रिएटेड मसल फाइबर्स एस्ट्रेट इसी वर्ड से बना है दैट इज द एस्ट्रिएटेड मसल फाइबर यदि ये मसल फाइबर्स अरेंज्ड है मीन्स वो एक दूसरे के पैरल नहीं है किसी भी एंगल में हो सकते हैं इरेगुलरली अरेंज हैं मसल्स के अंदर तब हम उस तरह के मसल फाइबर कहेंगे नॉन एस्ट्रिएटेड मसल फाइबर्स मीन्स मसल फाइबर एक दूसरे के पैरल नहीं है अब थर्ड कैटेगरी आया दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन के अनुसार जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है मस्कुलर टिश्यूज़ के अंदर इतना हम लोग पहले स्टडी कर चुके कि मसल्स का एक प्रॉपर्टी है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होगा और कॉन्ट्रैक्ट होने से मसल्स अपना ड्यूटी परफॉर्म करता है यदि वो कॉन्ट्रैक्शन हमारे इच्छा अनुसार हो रही है जैसे सपोज करें कि हमारी हैंड है ये और हम इन फिंगर्स को मूव करना चाह रहे हैं तो हम इसे फिंगर को मूव करना चाह रहे हैं इसलिए इस फिंगर के अंदर मूवमेंट हो रही है हम रनिंग कर रहे हैं हम रन करना चाह रहे हैं इसलिए हमारे लेग्स में मूवमेंट हो रही हैं हम बोलना चाह रहे हैं इसलिए हमारे टंग्स में मूवमेंट हो रही हैं मिल से हमारे बॉडी का <coughs> वो मूवमेंट जो हमारे विल के कंट्रोल में है हमारे इच्छा शक्ति के कंट्रोल में है तब हम उस मसल्स का नाम देते हैं इट इज़ द वलेंटरी मसल्स वोलेंट्री मसल्स बहुत सिंपल है जैसे आप देखते होंगे कि कहीं आप पूजा मंदिर में जा रहे हैं या किसी सभा में जा रहे हैं या कहीं सत्संग हो रहा है वहाँ पे वॉलेंटियर्स होते हैं वो वॉलेंटियर्स अपने इच्छा से वहाँ पे काम कर रहे होते हैं तो उन्हीं वॉलेंटियर वर्ड से ये बना है वॉलेंटरी मीन्स जो हमारे इच्छा के अनुसार अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेंगे तब उसे कहेंगे इट इज़ द वलेंटरी मसल्स अब हमारे बॉडी में कुछ ऐसे मसल्स भी होते हैं जो मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं हैं जैसे सपोज करें कि लीवर के या हमारे स्टमक के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है या डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है तो हम चाहकर उसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को ना तो इंक्रीज कर सकते हैं और ना ही हम उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं यह हमारी लंग्स है लंग्स को हम हमारे लंग्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही हैं उनको हम अपने इच्छा के अनुसार उस लंग्स को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते ना तो उसे तेज कर सकते हैं ना उसे हम रोक सकते हैं तो वैसा मसल्स जो मसल्स ऑटोमेटिकली काम कर रहा हो और हमारे विल हमारे इच्छा के कंट्रोल में ना हो उन मसल्स को हम नाम देंगे इट इज़ द इनवॉलेंट्री मसल्स मीन से क्योंकि मसल्स अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्शन इट मे भी वॉलेंट्री और इट मे भी इन वॉलेंट्री एज पर देर स्ट्रक्चर इट मे भी एस्ट्रेटेड और इट में भी नॉन स्ट्रेटेड एंड एज पर देयर लोकेशन इट इज स्केल्टल मसल इट इज ए स्मोथ मसल एंड इट इज द कार्डिय मसल अब हम लोग इसी कैटेगरी का यूज करेंगे इन आवर फर्दर स्टडी कि स्केल्टल मसल किसे कहेंगे स्मूथ मसल किसे कहेंगे और कार्डियक मसल किसे कहेंगे इनकी क्या प्रॉपर्टीज है और इनका क्या स्ट्रक्चर है तो आइए अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक दैट इज द द्केल्टल मसल्स स्केल्टल मसल्स एक ऐसा मसल्स है जो रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट करता है और उतनी ही रैपिडली वो टायर्ड भी हो जाता है वो थक भी जाता है मीन्स इसके अंदर रैपिड कंट्रैक्शन होता है और रैपिडली ये टायर्ड हो जाता है पहली बात दूसरा बात कि जो हमारी स्केल्टल मसल्स हैं वो हमारे वॉलेंट्रीली एक्ट करते हैं वॉलेंट्री मीन्स कि हमारे इच्छा के अनुसार ये काम करती हैं तो जो स्केल्टल मसल्स हैं उसका हम लोग दूसरा नाम भी दे सकते हैं इट इज़ ए वॉलेंट्री मसल्स जो स्केल्टल मसल्स हैं इसके अंदर जो मसल फाइबर्स होंगी ये मसल फाइबर्स पैरेलल अरेंज्ड होती हैं एक दूसरे के पैरेलल ये अरेंज होती हैं और इसलिए हम इस मसल्स का एक और नाम दे सकते हैं इट इज़ द एस्ट्रिएटेड मसल्स इसके अलावा जो हमारी ये स्केल्टल मसल्स हैं इन मसल्स के ऊपर बैंड पाई जाती हैं बैंड मीन्स कि आप में दिखाई देगा कुछ पार्ट डार्क है और कुछ पार्ट लाइट है जिस तरह से जेब्रा के बॉडी के ऊपर एक बैंड होती हैं वाइट और ब्लैक बैंड उसी की तरह इस इस्के मसल्स के ऊपर भी दो पैटर्न पाई जाएंगी लाइट बैंड उसमें कहेंगे लाइट बैंड डार्क बैंड लाइट बैंड डार्क बैंड और इस तरह की ये पैटर्न पाई जाएंगी और जब ये इस तरह की पैटर्न पाई जाती हैं क्योंकि तो वहां पे स्ट्राइप्स पाई जा रही हैं जैसे जेब्रा के ऊपर स्ट्राइप्स पाई जाती हैं ठीक यहां पर भी स्ट्राइप्स पाई जा रही हैं डार्क बैंड और लाइट बैंड का तब तो हम लोग इसका एक और नाम देते हैं इट इज द स्ट्राइप्ड मसल्स मीन्स क्या हो गया कि हम लोगों ने कौन कौन से नाम स्टडी कर लिया पहला कहा ही कहा गया कि जो हमारी ये मसल्स हैं स्केल्टल मसल इसको हम लोग वॉलेंट्री मसल्स नाम दे सकते हैं दूसरा हो गया इसका लोग स्ट्रिएटेड मसल नाम दे सकते हैं और तीसरा हो गया इससे हम लोग स्ट्राइप्ड मसल्स नाम दे सकते हैं स्लाइड पे एक और वर्ड लिखा हुआ है दैट इज द सोमेटिक मसल्स मीन्स एस्केटल मसल का एक और हम नाम देते हैं दैट इज द सोमेटिक मसल्स अब ये सोमैटिक का क्या मीनिंग हुआ हमारे बॉडी को हम जब हम डिवाइड करते हैं इसको हम लोग दो कैविटी या दो कंपोनेंट या दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एक को कहते हैं सोमैटिक पोर्शन और एक को कहते हैं विसरल पोर्सन वी आई एस सी ई आर एल विसरल पोर्सन जो पार्ट बॉडी के सरफेस पे पाई जाती उसे हम लोग कहेंगे इट इज द सोमैटिक पार्ट और वैसा पार्ट जो बॉडी के इंटरनल एरिया में पाई जा रही हैं बॉडी के कैविटीज में पाई जा रही हैं तब हम उन ऑर्गन का नाम देते हैं इट इज द विसरल ऑर्गन तो जो हमारा स्केल्टल मसल है हर बॉडी के पेरीफेरी मीन्स हमारे बॉडी के आउटर सरफेस पे पाई जाती हैं इसीलिए हम इसका एक और नाम दे सकते हैं दैट इज द सोमैटिक मसल्स तो क्या क्या हो गया स्केल्टल मसल्स का नाम क्या क्या हो गया फर्स्ट वन इज द स्केल्टल मसल सेकेंड वन इज द वॉलेंट्री मसल थर्ड वन इज द स्ट्राइप्ड मसल फोर्थ सॉरी स्ट्रिएटेड मसल फोर्थ वन इज द स्ट्राइप्ड मसल एंड लास्ट वन इज द सोमैटिक मसल्स मीन हम इसे किसी भी नाम से पुकार सकते हैं अभी हम लोगों ने स्टडी किया कि जो स्केल्टल मसल है इसके अंदर फास्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होता है और ये मसल्स बहुत जल्द थक भी जाती हैं मींस कुछ समय के बाद इन मसल्स को रेस्ट की आवश्यकता होती हैं ये नन स्टॉप वर्क नहीं कर सकता और एक मसल ऐसा भी हमारे बॉडी के अंदर जिसे हम लोग कहेंगे कार्डियक मसल जो कि नन स्टॉप वर्क करता रहता है वो कभी थकता नहीं है और यदि वो मसल थक गया तो हम भी थक गए मीन्स उस मसल ने यदि काम करना बंद कर दिया तो हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर दें हमारी डेथ हो जाएगी क्लियर बात सिंपल सी बात है कि कार्डियक मसल्स स्टॉप मीन्स पर्सन का डेथ अब प्रश्न ये है कि दोनों मसल्स हैं लेकिन एक मसल्स थक जा रही हैं थोड़ी देर काम करने के बाद और दूसरा मसल थ्रो आउट कंटिन्यूसली ट्वेंटी फोर इंटू सेवन रेगुलरली लगातार बिना थके काम करते जा रहे हैं ऐसा क्यों ये हम लोग जानेंगे जब हम लोग कार्डियक मसल्स को स्टडी करेंगे अभी सिर्फ हम लोग यहाँ पे इतना जान लिया कि स्केल्टल एस्ट, मसल्स क्या होता है और इसका कैसा स्ट्रक्चर होगा हाँ स्लाइड के ऊपर एक और वर्ड लिखा हुआ है दैट इज द क्वाड्री प्लेजिया क्यू यू ए डी आर आई पी एल ई जी आई ए जहाँ भी वर्ड प्लेजिया आए इसका मतलब क्या हो गया पैरालिसिस जैसे हम लोगों ने कहा कि कार्डियक मसल काम करना बंद कर देगा तब पर्सन की डेथ हो जाएगी पर्सन के लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकता ठीक उसी तरह से यदि स्केल्टल मसल्स ने परमानेंटली काम करना बंद कर दिया तो हमारे बॉडी में पैरालिसिस अटैक आती हैं और इसी का नाम यहाँ दिया गया इट इज़ द क्वाड्रीप्लेजिया यदि मसल्स काम कर रही हैं हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट और लोकोमोशन हो रही हैं और जब ये एस्केल्टल मसल्स काम करना बंद कर देंगी तो जो डिजीज डेवलप हो गया उसका नाम क्या दिया गया इट इज द क्वाड्रीप्लेजिया अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे दैट इज द एस्केल्टल मसल्स क्या और ज़्यादा और इसकी क्या खासियत है और इसकी क्या विशेषताएं हैं रिगार्डिंग इट्स स्ट्रक्चर सबसे पहले कि जो स्केल्टल मसल्स होंगी वो मसल्स हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि ये ज्वाइन होंगी और किसके साथ है, तो विद द बोन कि ये मसल्स बोन के साथ अटैच्ड होती हैं और इसलिए सर हम कहेंगे इट इज़ द स्केल्टल मसल अब ये जो बोन में अटैच होंगी वो दो जगह पे अटैच होगी ऐट द टू प्लेसेस एंड डिफरेंट बोन्स कि हमारे बॉडी के अंदर 206 हंड्रेड बोन्स हैं और ये बोन्स इन बोन्स के ऊपर मसल्स पाई जाती हैं और इन बोन के द्वारा और इन मसल्स के द्वारा हमारे बॉडी में लोकोमोशन या मूवमेंट होता है सिंपल सा है कि जो बोन्स हैं वो बोन हमारे बॉडी को एक फ्रेम दे रहे हैं एक फ्रेमवर्क दे रहे हैं एक ढांचा दे रहे हैं लेकिन वो बोन उन बोन्स का जो फंक्शंस परफॉर्म हो रहा है वो फंक्शंस किसके द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है तो दैट इज बाय द एस्केल्टल मसल्स मींस के हाँ जो मूवमेंट और लोकोमोशन का जो फंक्शन है ये बोन का फंक्शन नहीं है वो किसका फंक्शन है इट इज फंक्शन ऑफ द एस्केल्टल मसल हाँ ये जरूर है कि बोन उन फंक्शंस को परफॉर्म करने में सपोर्ट कर रही है अब यहां पे क्या हो गया सपोज करें कि दो बोन्स हैं तो दो एक मसल्स है वो मसल्स बोन्स के दो पॉइंट पे अटैच होंगे अब वो जो पॉइंट है उसको हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं एक को कहते हैं इंसर्शन और दूसरे को कहते हैं ओरिजिन जैसे सपोज कि हमारे पास ये हैंड है ये हैंड है और इस हैंड के अंदर मूवमेंट होनी है मीन्स हमारी ये बोन कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं तो ये हैंड ऊपर को आ रही है तो मसल्स जो मसल्स इस बोन के साथ अटैच्ड है उस पॉइंट को क्या नाम देंगे इट इज द इंसर्सन और मसल्स जो, जो इस बोन के साथ अटैच्ड है तीसरे क्या नाम देंगे इट इज द ओरिजिन कि वो बोन जो बोन जिस बोन के अंदर मूवमेंट हो रही है तो वहाँ पे जो मसल्स की अटैचमेंट होंगी उस पॉइंट का हम नाम देते हैं इट इज़ द इंसर्सन और वो बोन जिस बोन में मूवमेंट नहीं हो रही है या बहुत लेस मूवमेंट हो रही है तो वहाँ पे जब मसल्स अटैच होगा तब उस नाम देंगे इट इज़ द ओरिजिन जैसे यहाँ पे आप डायग्राम में देख लीजिए क्या बताया जा रहा है कि हमारी ये बोन्स है दिस इज़ द बाइसेप्स ये बाइसेप्स हमारी इस बोन के साथ अटैच्ड है तो इस पोर्शन का उन्होंने क्या नाम दिया इट इज द ओरिजिन दूसरा कि ये बोन हमारी जो बाइसेप्स है वो हमारे इस बोन के साथ अटैच हो रही हैं और जब हम इस बोन के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा बाइसेप्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हमारी जो ये बोन होगी इस बोन के अंदर मूवमेंट होगी तो इस पॉइंट को क्या नाम देंगे इट इज द इंसर्शन मीन्स दो पॉइंट हो गया स्केल्टर सिस्टम का वन इज द इंसर्शन एंड सेकेंड वन इज द ओरिजिन अब ये जो अटैचमेंट है ये अटैचमेंट को फिर कह सकते हैं कि इट कैन बी डायरेक्ट अटैचमेंट और इट कैन बी इनडायरेक्ट अटैचमेंट पॉइंट हो गया इंसर्शन एंड ओरिजिन लेकिन जो अटैचमेंट है वो डायरेक्ट हो सकता है और वो इनडायरेक्ट हो सकता है डायरेक्ट का मतलब क्या हो गया एक वर्ड यहाँ पे देखिए वर्ड आ गया दैट इज द एपी माइसियम एपी माइसियम का मतलब क्या हो गया अभी हमने स्टडी किया कि जो हमारी मसल्स का जो आउटर लेयर जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको है? है क्या नाम देते हैं एपी माइसियम और एपी कनेक्टिव टिश्यू का क्या फंक्शन है कि दो टिश्यूज को या दो ऑर्गन को या दो पार्ट को आपस में ज्वाइंट करना यदि वो बोन फ्यूज है विथ एपी तब हम उस अटैचमेंट का नाम देंगे इट इज द डायरेक्ट अटैचमेंट और यदि वो बोन टेंडन्स का फॉर्मेशन कर रही हैं या कार्टिलेज का फॉर्मेशन कर रही हैं या शीट लाइक फॉर्मेशन कर रही हैं तब उसको हम कहेंगे इट इज द इनडायरेक्ट अटैचमेंट जैसे यहाँ पे देखिए कि हमारी बाइसेप्स है ये बाइसेप्स बोन के साथ अटैच्ड है कलेक्टिव विषय में क्या स्टडी किया था कि वहां पे टेंडेंस होती है और टेंडेंस मसल्स को बोन से अटैच करते हैं टेंडन उन्होंने क्या कहा था इट इज द कलेक्टिव टिशू तो यहाँ पे जो अटैचमेंट है वो अटैचमेंट क्या हमारा है इनडायरेक्ट अटैचमेंट है मीन डायरेक्टली बो, मसल्स बोन से अटैच नहीं हो रही हैं किसके थ्रू हो तो रही हैं तो थ्रू द टेंडन तो हम इसे कहेंगे इट इज द इनडायरेक्ट अटैचमेंट तो हम लोगों ने रिगार्डिंग अटैचमेंट क्या स्टडी किया दो पॉइंट जाना एक पॉइंट हम लोगों ने कहा कि ये जो जहाँ पे वो अटैच हो रही हैं जिस बोन का मूवमेंट हो रहा है उस अटैचमेंट कहेंगे इंसर्शन और मसल्स का वो पॉइंट जहाँ से जिस बोन का मूवमेंट कम हो रहा है या नहीं हो रहा है उसे कहेंगे ओरिजिन ये जो अटैचमेंट हो सकती हैं वो डायरेक्ट हो सकती हैं जो एपी के साथ मसल्स फ्यूज़ हो जाएंगी और दूसरा हो सकता है कि हमारी जो बोन है, है वो हमारी जो मसल्स हैं वो बोन के साथ अटैच हैं किसी दूसरे पार्ट के द्वारा जैसे ये टेंडेंस के द्वारा अटैच होगी तब तो से कहेंगे इट इज़ द इनडायरेक्ट अटैचमेंट तो हम लोगों ने अभी तक ये जाना कि जो ज्वाइंट्स हैं जो स्केल्टल मस, मसल्स हैं उनके बोन के साथ कैसी अटैचमेंट होती हैं अब हम लोग जानते हैं स्केल्टल मसल्स के फंक्शन पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्केल्टल मसल्स हर बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करती हैं बॉडी के लोकोमोशन में हेल्प करती हैं बॉडी के पोस्चर्स को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं और बॉडी के अंदर हीट जनरेट करने में हेल्प करेंगी और इसके साथ साथ ये हमारी जो ज्वाइंट्स हैं उन जॉइंट्स को वो रैप भी करती हैं क्या क्या हुआ स्ट्रक्चर वो सिंपल है दैट इज द मूवमेंट लोको मोशन बॉडी पोस्चर जनरेट हीट एंड रैप द ज्वाइंट्स इसका हम लोग डिटेल ऑफ स्टडी नहीं करेंगे कि पहले हम लोग इसके बारे में जान चुके हैं अब यहां पर देखिए एक फिर इंटरेस्टिंग फैक्ट आ गया हम लोगों ने क्या कहा कि बोन सॉरी जो मसल्स हैं वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो हमारे बोन को अपनी तरफ खींचेंगे मीन सपोज करें कि हमने बोन को यहां पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ सॉरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो क्या हो रहा हमारा ये जो बोन्स है, है ये जो हैंड की बोन्स है ये ऊपर की आ रही है मीनस हम इसको क्या कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये बोन्स को पुल कर रही है बोन को पुश नहीं कर रही है मींस यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जो हमारी मसल्स होंगी वो मसल्स बोन को पुल करेंगी बोन को पुश नहीं करेंगे और हम जब बेंच प्रेस कर रहे होते हैं उसका हम क्या नाम देते हैं इट इज द पुशअप अब देखिए इट इज द पुशअप इस एक्सरसाइज इस को क्या नाम देखते हैं इट इज द पुशअप एक्सरसाइज ये एक हम लोग गलत वर्ड यूज करते हैं कभी भी मसल्स किसी भी बोन को पुश नहीं करता ये सिर्फ बोन को पुल करता है क्यों ये बात ये? चलिए ये हमारी थोड़ी सी अलग होगी हमारे सब्जेक्ट से हट करके अब हम लाते हैं मूवमेंट्स अब जो बोन्स हैं ये बोन्स हमारे सॉरी जो मसल्स हैं वो मसल्स बोन को मूवमेंट करती हैं बोन को मूव करने में हेल्प करती हैं अब ये जो मूवमेंट है वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं जैसे एक का हम नाम देते हैं एडक्शन कि जो हमारी बोन्स मसल्स हैं वो मूवमेंट करेंगे एडक्शन दूसरा होता है एबडक्शन तीसरा होता है फ्लेक्सियन तीस चौथा होता है एक्सटेंशन और पांचवा होता है रोटेशन क्या क्या नाम दिया गया मूवमेंट में एडक्शन एबडक्शन फ्लैक्जियोन एक्सटेंशन एंड रोटेशन मीन्स जो मसल्स हैं वो मूवमेंट करवा सकती हैं और इतने टाइप की मूवमेंट करवा सकती हैं जब कोई ऑर्गेन बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं मसल्स की बॉडी के ऑर्गेन को मूव करवा रही हैं और वो मूवमेंट टुवार्ड्स बॉडी हो रहा है मीन जो मूवमेंट हो रही है कहाँ हो रही है टुअार्ड्स बॉडी हो रही है तब हम इस मूवमेंट का नाम देते हैं इट इज द एडक्शन इस क्या नाम देंगे इट इज एडक्शन और जब मूवमेंट है वो मूवमेंट बॉडी से अवे हो रही है बॉडी से दूर कर जा रही है जैसे हैंड है वो बॉडी से दूर जा रही है तब हम उस मूवमेंट का नाम देते हैं इट इज एबडक्शन दो वर्ड हो गया एडक्शन टुवर्ड्स सेंटर सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी एबडक्शन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी ये जो आप देख लाइन देख रहे हैं दिस इज द सेंट्रल एक्सिस लाइन तीसरा हो गया फ्लैक्सियोन फ्लैक्न मीन्स कि सपोज करें कि ज्वाइंट्स हैं और हमारी इस मसल्स के मूवमेंट से इस ज्वाइंट्स के बीच में जो एंगल है वो एंगल डिक्रीज हो रही हैं तब हम उसे कहेंगे इट इज द फ्लैक्सियोन देखिए स्ट्राइट पर लिखा हुआ है कि मूविंग ज्वाइंट्स टू डिक्रीज द एंगल मींस जो मसल्स का मूवमेंट है जो एंगल को डिक्रीज कर रहा है तब तो उसके लिए जो हम लोग वर्ड यूज करेंगे दैट इज द फ्लैक्न यदि सपोज करें कि मसल्स की मूवमेंट है उससे इसका एंगल इंक्रीज हो रहा है मीन्स जो ज्वाइंट्स हैं उस ज्वाइंट्स का एंगल इंक्रीज हो रहा है देखें यहाँ पे एंगल इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे एंगल डिक्रीज हो, हो रहा है तो जो एंगल इंक्रीज होगा तब इसलिए हम वर्ड यूज करेंगे इट इज द एक्सटेंसि अब जैसे यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं लेग्स के बारे में कि लेग्स की बेंडिंग हो रही है तो इट इज़ कॉल्ड ए और जब लेग्स ओपन होंगी इट इज कॉल्ड द एक्सटेंशन और रोटेशन का मतलब क्या हो गया सिंपल कि जब बॉडी एक एक्सिस पे एक पॉइंट पे सर्कुलेट करेंगी एक पॉइंट पे वो रोटेट करेंगी तब उसे हम कहेंगे रोटेशन वो रोटेशन क्लॉक वाइज भी हो सकता है और वो रोटेशन एंटी क्लॉक वाइज भी हो सकता है तो अभी तक हमने ये जाना कि एस्केटल मसल्स के क्या फंक्शंस हैं और इस एस्केल्टल मसल्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अब हम आते हैं इस एस्केल्टल मसल्स के स्ट्रक्चर के बारे में वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो सिर्फ स्केल्टल मसल्स में पाई जाएंगे किसी दूसरे मसल्स में नहीं पाई जाएंगे सबसे पहला पॉइंट यहां पर ये बताया जाता है कि जो हमारी जो एस्केल्टल मसल्स हैं इस मेस, मेस मसल्स में जो मायोफाइब्रिल्स हैं ये फाइब्रिल्स और मायोफाइब्रिल्स से टाइटली पैक्ड होते हैं हम लोग पहले पढ़ चुके हैं वो एक दूसरे से पैरेलली अरेंज होंगे साइड बाय साइड टाइटली पैक्ड होंगे और पैरेलल अरेंज होंगे और इसीलिए इसका लोगों ने नाम दिया इट इज द एस्ट्रिएटेड मसल्स नेक्स्ट इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसके ऊपर स्ट्राइप्स पाई जाएंगी दैट इज द डार्क बैंड और लाइट बैंड इस तरह से इनके पैटर्न पाई जेबरा लाइक पैटर्न पाई जाएंगी डार्क बैंड और लाइट बैंड का और इसलिए इसका हम नाम देते हैं इट इज़ द स्ट्राइप्ड मसल्स ये जो डार्क बैंड और लाइट बैंड बनती हैं वो एक तरह के प्रोटीन से बनती हैं और उस प्रोटीन का नाम है एक्टीन एंड मायोसिन दो प्रोटीन होगी एक्टीन एंड मायोसिन कि जो ये एक्टीन है ये एक्टीन थीन फिलामेंट बनाती है और जो मायोसिन है वो थिक फिलामेंट बनाती हैं मीन्स कि जो डार्क बैंड है वो डार्क बैंड किसके थ्रू बन रहा है तो बाय द मायोसिन और जो हमारी लाइट बैंड है वो किसके थ्रू बन रहा है दैट इज बाय द एक्टीन और लास्ट पॉइंट हो गया कि ये हमारी विल के कंट्रोल में है इसलिए हम कहेंगे इट इज द वॉलेंट्री मसल्स इस मसल्स के अंदर जो फाइबर्स होंगे उसमें किसी तरह का कोई ब्रांच नहीं होगा और लास्ट पॉइंट कि ये जो मसल फाइबर्स है हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये मसल सेल्स है लेकिन चुकी फाइबर्स फॉर्म में है इसलिए हम इसका नाम दे रहे हैं इट इज द मसल फाइबर तो ये जो मसल फाइबर्स है इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड अभी तक हमने क्या स्टडी किया था कि सेल्स होंगी और सेल्स के अंदर एक न्यूक्लियस पाई जाती जो मल्टी जो पे प्रश्न आ गया कि ऐसी क्या आवश्यकता हो गई कि जो हमारी मसल्स हैं उन मसल्स में मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं मीन से बहुत सारे न्यूक्लियस पाई जाते हैं देखिए क्या होता है जिससे हम लोगों ने एपिडर्मिस जब स्टडी कर रहे थे तो वहाँ हम लोगों ने क्या स्टडी किया कि जो एपिडर्मिस का ग्रोथ एम्ब्रियो के अंदर है एक पार्ट होगा जिसे हम नाम देंगे एंडोकाइमा एंडोडर्म उस एंडोकाइमा से सारी एपिडर्मल सेल्स का डेवलपमेंट होता था ठीक उसी तरह से जो हमारी मस्कुलर टिश्यूज़ हैं मसल्स हैं वो एम्ब्रियो के स्टेज में एक स्ट्रक्चर होती हैं जिसे हम कहेंगे मिजोडर्म या मिजोकाइमा उनसे इनका डेवलपमेंट होता है और जब वन मसल्स का डेवलपमेंट हो रही होती हैं उस समय होगा क्या कि बहुत सारे जो सेल्स होंगे वो एक दूसरे से फ्यूज हो जाती हैं एलोंगेट होने के लिए एक दूसरे से वो फ्यूज हो जाती हैं और फ्यूज होने से क्या हो गया कि उनके बीच का जो सेल वाल है वो शेल वाल या सेल मेम्ब्रेन डिजॉल्व हो जाता है और वहाँ जब सेल में डिजॉल्व हो गया तो ऐसा महसूस होता है कि एक ही सेल के अंदर से वॉल्ट्री वो मसल तो सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस में दिखाई देगा और उससे हम लोग कहेंगे इट इज द मल्टी न्यूक्लिए दूसरी क्या हो सकता है कि हमारी जो स्केल्टल मसल्स है स्केल्टल मसल्स रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रैपिडली रिलैक्स करती हैं मीन्स जब इसको रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट करना और रैपिडली रिलैक्स करना हो तो इसे इमीडिएट एनर्जी की आवश्यकता होती है जब मल्टी न्यूक्टेड होंगी तो ये न्यूक्लियस हमें मालूम है कि न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल्स अब वहाँ पर बहुत सारे ब्रेन्स काम करेंगे और उससे क्या हो गया कि बहुत सारे ब्रेन काम एक्टिवेट हो जाएंगे और मसल्स से एक्टिवली बहुत जल्दी एनर्जी को प्रोड्यूस कर देगा और मसल्स को एनर्जी मिल जाएंगी और मसल्स रैपिडली अपना काम कर लेगा ठीक वही बात यह तो क्या हो गया कि जो वॉलेंट्री मसल्स हैं जो एस्केल्टल मसल्स हैं ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं और मल्टी न्यूक्लेटेड क्यों होती हैं ये हमें मालूम चल गया ओके अब हम लोग आगे स्लाइड पे आते हैं और हम दो दूसरा कैटेगरी स्टडी करते हैं दैट इज द स्मूथ मसल्स अब हमें मालूम है कि जो स्मूथ मसल्स हैं हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जाती हैं जैसे कि लंग्स हो गई या हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम हो गए किडनी हो गया लीवर हो गया और बहुत सारे पार्ट्स हैं हमारे बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन में बॉडी कैविटीज में तो बॉडी कैविटीज के अंदर जो ऑर्गन्स पाई जाएंगे उनमें जो मसल्स होंगे उन मसल्स को क्या कहेंगे इट इज द स्मूथ मसल्स अब ये जो स्मूथ मसल्स हमारी हैं एक्चुअल में ये इन स्मूथ मसल्स में एक्टिन और मायोसिन नहीं पाई जाती हैं एक्टिन एंड मायोसिन आर द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन लेकिन वो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन हमारे स्मूथ मसल्स में नहीं पाई जाएंगी और जब वहाँ पे एक्टिन और मायोशिन नहीं होंगी तो वहाँ कोई भी लाइट बैंड या डार्क बैंड नहीं पाया जाएगा तो हम कहेंगे इट इज ए नॉन स्ट्राइप्ड मसल्स दूसरा कि जो इसके मसल्स के जो सेल्स होंगे जो मसल फाइबर होंगे इट इज में समझ रहे होंगे कि जिसके दोनों पॉइंट, दोनों एंड पॉइंटेड हो नैरो और बीच में उसका वाइड हो तब उसे कहेंगे इट इज द स्पिडल एस पी आई एन डी एल ई उसे कहेंगे इट इज द स्पिंडल शेप्ड तो जो स्मूथ मसल्स के सेल्स होते हैं वो स्पिंदल होते हैं और ये एक दूसरे के पैरेलल अरेंज्ड नहीं होते मींस डिगजैक्ट वे में अरेंज्ड होंगे और इसीलिए हम इसे नाम देंगे इट इज द नॉन एस्ट्रेटेड मसल जस्ट वहां के अपोजिट हो गया वहाँ क्या था स्ट्राइप्ड मसल ये क्या हो गया नॉन स्ट्राइप्ड मसल वहाँ क्या था स्ट्रेटेड मसल ये क्या हो गया नॉन स्ट्रेटेड मसल्स अब ये मसल्स हमारे इच्छा के कंट्रोल में नहीं है अपने आप ये अपने अकॉर्डिंग टू बॉडी रिक्वायरमेंट ये अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते रहते हैं इसलिए हमें कहेंगे इट इज द नॉन वॉलेंट्री मसल्स ये मसल्स स्मूथ मसल्स हमारे बॉडी के बॉडी कैविटीज़ की जो ऑर्गन्स हैं वहां पे पाई जाती हैं तो इसलिए हम इसे कहेंगे इट इज द विशरल मसल्स वहां उन्होंने क्या कहा था वो हमारे बॉडी के सरफेस से पाई जाती थी इसलिए हम उन्होंने वहां पे नाम दिया था दैट वाज द सोमैटिक मसल्स लेकिन यहां पे क्या है इट इज द विशरल मसल्स वहां पे जो मसल्स थी मसल फाइबर्स थे, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड थे लेकिन यहाँ जो मसल्स फाइबर होंगे, वो हमारी यूनि न्यूक्लिएटेड होंगे मीन्स एक मसल फाइबर एक स्पिनल शेप्ड मसल फाइबर में सिंगल सेल पाया जाएगा क्लियर बात यह तो दीज आर द स्मूथ मसल्स अब ये जो स्मूथ मसल्स हैं इस स्मूथ मसल्स के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं ये तो हमें मालूम हो गया कि ये यूनि न्यूक्लिएटेड हैं और स्पेंडर शेप्ड हैं यहाँ पर सराउंडेड बाई सर्को प्लाज्मा वहाँ भी उन्होंने स्टडी किया था सर्को जो इसका जो आउट होगा वो सर्को प्लाज्मा होगा यहाँ पे सर्कोलेम्मा नहीं पाई जाएंगे मीन्स यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएंगी साइटोप्लाज्म तो होंगी लेकिन उस साइटोप्लाज्म को क्या नाम देंगे प्लाज्मा लेकिन वो सर्को लेमा वहां पर नहीं पाई जाती हैं यहाँ पे क्या पाई जाएंगे इट इज सराउंडेड बाई द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सराउंडेड होता है अब यहां पर मैं इसका डिफरेंस नहीं बताऊंगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सर्को में क्या डिफरेंस है ये लंबा टॉपिक हो जाएगा इसके लिए अलग कोई क्लास लेंगे वहां हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सड़को लेमा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन वैसे हमने इसको अपने कम्युनिटी में डाल रखा है वहां आप देख सकते हैं कि दोनों में क्या फर्क है यहाँ पे जो मायोफाइब्रिल्स है ये मायोफाइब्रिल्स लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड है ध्यान रहे या क्या कहा जा रहा है लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड है पैरेलल अरेंज्ड नहीं है यहाँ पे कोई भी लाइट बैंड या डार्क बैंड नहीं पाई जाएगी और कहा गया कि जो हमारी जो माओफाइब है वो या जो फाइबर्स है ये लूजली अरेंजड होंगा एंड इट इज़ नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ द ह्यूमन विल तो दीज आर द सम फीचर्स सम कैरेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ द स्मूथ मसल्स अब आइए हम लोग जो कोई स्टडी किया उसी को रिपीट करते हैं डिफरेंस बिटवीन स्केल्टन मसल्स एंड स्मूथ मसल्स तो ये वॉलेंट्री हो गई इन वॉलेंट्री हो गई स्टेटेड हो गए नॉन स्टेटेड हो गए स्ट्राइप्ड हो गए नॉन स्ट्राइप्ड हो गए श्रिलकर शेप्ड हो, हो, हो गया ये हमारा स्पिंडल शेप्ड हो गया फिर कहा गया कि ये मल्टी है ये यूनी है ये हमारे यहाँ पे सड़को पाई जाएंगी यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाएंगी यहाँ पे ये टाइटली अरेंज होती है यहाँ पे क्या हो गया कि ये लूजली पैक्ड होंगे ये रैपिडली एक्ट करती है जबकि स्मूथ प्लाज्मा नॉट सो रैपिड वो अपने पेस से अपने अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट एक्ट करती हैं यहाँ पे जो मसल्स हैं उसमें जो हमारी जो एस्केल्टल मसल हैं वहाँ ब्लड सर्कुलेशन पुअर ब्लड सर्कुलेशन होता है जबकि हमारे स्मूथ मसल्स में गुड ब्लड सर्कुलेशन पाई जाती हैं तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द स्मूथ मसल्स एंड एस्केल्टल मसल्स अब जो हमारी जो स्मूथ मसल्स हैं फिर इनको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं दो क्लास में डिवाइड करते हैं एक हम नाम देते हैं इट इज द सिंगल यूनिट स्मूथ मसल और दूसरे कहेंगे इट इज द मल्टीपल यूनिट स्मूथ मसल्स जो सिंगल यूनिट में स्मूथ मसल्स होंगे ये इसके अंदर क्लोजली अरेंज्ड मायोफाइबर्स होंगे यहां पे इंडिपेंडेंट माओ होंगे ये एज ए सिंगल यूनिट काम करेंगे जबकि ये हर एक मायोफाइबर इसका अलग अलग अपना काम करेगा जो हमारी जो सिंगल यूनिट है वो कहाँ पाई जाएंगी तो इन जी और यूरिनरी ब्लैडर और जो हमारी ये मल्टीपल है वो कहाँ पाए जाएंगे आईस और आईडिस अब देखिए इन दोनों के स्ट्रक्चर में क्या फर्क है हम लोगों ने शुरू में स्टडी किया था कि मसल्स जो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है दैट इज द कॉन्ट्रैक्शन वो कब करेगा जब उसे नर्व सेल से मैसेज मिलेंगी नर्व सेल से स्टिमुलेशन मिलेगा नर्व सेल से ऑर्डर मिलेगा तो जो हमारी जो यूनि न्यूक्लिएटेड हो गई ये यूनि जो सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स है इसके अंदर जो नर्व फाइबर्स हैं वो सभी नर्व फाइबर्स जो है वो नर्व सेल से अटैच है जितने भी नर्व सेल्स हैं वो नर्व फाइबर से अटैच है और इससे क्या होगा कि जब भी वहाँ पे कोई इम्पल्स आएंगी तो सारी की सारी नर्व सेल्स से एक साथ इरिटेट होंगी तो ये सिंगल यूनिट की तरह काम करेंगे जबकि दूसरे कैटेगरी में जो हमारी जो मल्टीपल यूनिट स्मूथ मसल्स हैं वहाँ पे जो नर्व फाइबर्स ये हमारे दिस इज दीज आर द नर्व फाइबर्स ये आप देख रहे हैं जो येलो कलर का ये हमारे क्या है नर्व फाइबर्स है तो ये जो नर्व फाइबर्स है ये नर्व फाइबर्स से सारे सेल से अटैच नहीं है सभी से अलग अलग अटैच होंगे तो इस तरह से ये जो होगा वो नॉट क्लोजली अरेंज होगा और सभी सेल्स अपना इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं ये हम लोगों ने जान लिया दो स्ट्रक्चर दैट इज द स्मूथ मसल्स एंड स्केल्टल मसल्स अब हम लोग अपने लास्ट कैटेगरी पर आते हैं क्लास लेंथी हो रही है मुझे महसूस हो रहा है लेकिन हम लोग इस टॉपिक को आज पूरा करेंगे कार्डियक मसल्स जो हैं ये कार्डियक मसल्स कहाँ पाई जाती हैं तो ये हम लोगों को मालूम हो गया कि इट इज़ फाउंड इन द हार्ट कि जो हार्ट का वाल है या जो हार्ट में जो वेन एंटर कर रही हैं ब्लड वेसल्स एंटर कर रही हैं उन ब्लड वेसल्स पे कार्डियक मसल्स पाई जाती हैं ये कार्डियक मसल्स ऐसी होंगी जिसके अंदर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मीन्स कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एस्केटल मसल्स की हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स स्मूथ मसल्स की हैं आइए हम देखते हैं इसके दोनों से क्या क्या कॉमन फीचर्स इसके मिलते जुलते हैं जैसे उन्होंने कहा था स्केल्टल मसल्स में सिलिंड्रिकल शेप्ड फाइबर्स पाई जाती हैं तो कार्डियक मसल्स के अंदर भी जो फाइबर होंगी मसल फाइबर्स होंगे इट इज द सिलिंड्रिकल शेप्ड लेकिन ये यूनि न्यूक्लिएटेड होंगी जबकि वहां पर क्या था इट वॉज द मल्टी न्यूक्लिएटेड वहां पर था हमारी की जो आ, शेप सेल्स थी वो एक दूसरे से पैरेलल अरेंज्ड थी यहाँ पर क्या होगा कि एक दूसरे से पैरेलल अरेंज्ड नहीं होंगे और वो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी और उसे कहेंगे ऑब्लिक ब्रिज कि जितने भी मायोफाइब्रिल्स हैं सारे मायोफाइब्रिल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे और किसके थ्रू तो जिस स्ट्रक्चर से कनेक्ट होंगे उसे उसका नाम देते हैं इट इज द ऑब्लिक ब्रिज वहाँ पे यहाँ पे क्या था है कि यदि आपने एक सेल को स्टिमुलेट किया तो चूंकि सारे के सारे सेल एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो सारी की सारी जो कार्डियक सेल्स होंगी वो एक साथ स्टिमुलेट हो जाएंगी फिर क्या कहा जा रहा है कि वहाँ पर डार्क बैंड और लाइट बैंड पाई जाती थी स्केल्टल मसल्स में डार्क बैंड और लाइट बैंड पाई जाती थी यहां पर भी डार्क बैंड और लाइट बैंड पाई जाती है लेकिन यहाँ पर एक्टीन और मायोसिन एबसेंट होता है ये जो डार्क और लाइट बैंड पाई जा रही हैं दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द इंटरकैलेटेड डिस्क मींस एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा डिस्क शेप का कि जो दो सेल्स को यूनाइट करती हैं और उस स्ट्रक्चर को क्या नाम देंगे इट इज़ द इंटरकैलेटेड डिस्क और ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क है इसके चलते यहाँ में डार्क और लाइट बैंड का पैटर्न दिखाई देता है मालूम हो जाए कि कार्डिक मसल्स कंटिन्यूसली वर्क करता है कभी थकता नहीं है कभी इसको एनर्जी की कमी महसूस नहीं होती कभी ये रेस्ट नहीं लेता यदि इस मसल ने रेस्ट ले लिया तो समझ लीजिए हमारी बॉडी भी रेस्ट पोजीशन में परमानेंटली रेस्ट पोजीशन में चली जाएगी मीन्स की जो ये मसल्स हैं ये मसल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कंट्रोल नहीं होता मींस हमारे विल हमारी मर्जी से इस मसल्स को हम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते इनके हार्ट बीट को हम इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते अब जिसके द्वारा ये कंट्रोल होता है उसका हम नाम देते हैं इट इज़ पेस मेकर और ये पेस मेकर इसी कार्डियक टिश्यूज के हार्ट के अंदर ही पाई जाती हैं इट इज नॉट कंट्रोल बाय बाय द नर्वस टिश्यूज अब ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्डियक मसल्स जो कि यूनि न्यूक्टेड है अब हम लोग जानेंगे क्या कॉमन फीचर्स हैं बिटवीन द कार्डियक मसल्स और स्केल्टल मसल्स में देखिए स्केल्टल मसल्स से क्या सिमिलरिटी है कि यहाँ पे मायोफाइब्रिल्स हैं तो यहाँ पर जो डार्क बैंड और लाइट बैंड है तो यहाँ भी डार्क बैंड और लाइट बैंड है स्केल्टल मसल्स के अंदर ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं यहाँ भी ब्लड कैपिलरीज पाई जाएंगी इसके अंदर कनेक्टिव नेटवर्क है यहाँ भी कनेक्टिव टिश्यू के फ्रेम पाए जाएंगे स्मूथ मसल से क्या सिमिलरिटी है ये यूनि न्यूक्लिएटेड है ये भी स्मूथ मसल हमारे वॉलेंट्रिय इन वॉलेंट्री मसल्स थी ये भी हमारी इन वॉलेंट्री मसल्स हैं अब हम लोग आते हैं ये जानने की कोशिश हमारी स्लाइड कंप्लीट हो गई हमारा सिलेबस हमारे टॉपिक भी कंप्लीट हो गया व्हाट इज द मस्कुलर टिशूस अब हम अपने आंसर को जानने की कोशिश करते हैं कि स्केल्टल मसल्स क्यों थक जाता है और कार्डियक मसल्स क्यों नहीं थकता देखिए क्या होता है कि जो एस्केल्टल मसल्स है सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारे बॉडी में जो एनर्जी होती है वो केमिकल फॉर्म में होती है और उसका हम नाम देते हैं ए टी पी जिसका पूरा नाम हो गया एडिनोशिन ट्राईफॉस्फेट हमारी मसल्स हमारी जो मसल्स की जो कंपोनेंट है मस्कुलर सेल्स के मसल फाइबर्स जो हैं वो मसल फाइबर्स इन एटीपी को एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं और उसको यूज़ करती हैं जब हम और हमें यह भी मालूम है कि हमारे बॉडी को एनर्जी कहां से मिलता है तो फ्रॉम द ग्लूकोज ये आप हाँ डिटेल स्टडी करेंगे इन द चैप्टर बायो केमिस्ट्री ग्लूकोज से हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है अब इस ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है एक प्रोसीजर है जिसे लोग कहेंगे ग्लाइकोलाइसिस तो ग्लाइकोलाइसिस मतलब क्या हो गया कि ब्रेक डाउन और लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन और ग्लाइकोमीन्स ग्लूकोज या ग्लाइकोजन या ग्लूकोज जो भी नाम दे हैं कि उसका ब्रेक डाउन हो रहा है और उस ब्रेक डाउन को नाम देते हैं इट इज द ग्लाइकोलाइसिस यदि यह ब्रेक डाउन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा तब तो कहेंगे इट इज एरोबिक एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, इन ऑफ़ ऑक्सीजन और जब ये ऑक्सीजन के एबसेंट में ग्लाइकोलाइसिस होगा तो उसे कहेंगे इट इज एन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस अभी जब ये एन ईरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होती है उस समय एटीपी के फॉर्मेशन के साथ साथ वहाँ पर एक और केमिकल का फॉर्मेशन होता है दैट इज़ द लैक्टिक एसिड और जब हमारे मसल्स में ये लैक्टिक एसिड डिपोजिट हो जाती हैं तब हम थकान महसूस करते हैं हमें थकावट महसूस होती है और जब हम रेस्ट करते हैं तो हमारी जो एक्ल्टल मसल्स हैं वो इन लैक्टिक एसिड को वहां से एक्सक्रीट कर देती हैं वहां से बाहर निकाल देती हैं नया एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है और हम फिर अपने आप को रिजरेट महसूस करते हैं अब क्या हो गया कि जो एस्केल्टल मसल्स हैं वहां पे ब्लड सप्लाई पुअर है और वहां पे रैपिड एनर्जी की आवश्यकता है और जब रैपिड एनर्जी होगी तो ज़्यादा ग्लाइकोलाइसिस होगा और जब ज़्यादा ग्लाइकोलाइसिस होगा तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन भी होगा और जब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा तो लैक्टिक एसिड वहाँ डिपॉजिट हो जाएंगे लैक्टेट डिपॉजिट हो जाएंगे तो वो मसल से टायर्ड हो जाएंगे वो मसल में थकावट महसूस होगी अब हम आते हैं अपने कार्डियक टिश्यूज पे सबसे पहला कि कार्डियक टिश्यूज के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बहुत हेवी होता है जो मैक्सिमम सर्कुलेशन है ब्लड का बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड की सर्कुलेशन होती है कहीं ज्यादा होती है कहीं कम होती है तो कार्डियक मसल्स में मैक्सिमम ब्लड सर्कुलेशन होगा दूसरा पॉइंट कि कार्डियक मसल्स में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और यही माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है इसी को हम लोग कहते हैं इट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल यह सेल का पावर हाउस है तो जिस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया जितनी ज़्यादा होंगी वहाँ एनर्जी उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा कार्डियक मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया इतनी ज़्यादा होती हैं और ये कंटिन्यूसली एनर्जी को प्रोड्यूस करती रहती हैं तो कार्डियक मसल्स को कभी भी एनर्जी की कमी महसूस नहीं होती है। और उसे रेगुलर एनर्जी मिलता रहता है और चूंकि वहाँ पे जो ग्लाइकोलाइसिस है वो एनइरोबिक ग्लाइकोलाइसिस नहीं हो रही है तो वहाँ लैक्टिक एसिड का भी फॉर्मेशन नहीं होता और इसी कारण से कार्डियक मसल्स कंटिन्यूसली वर्क करती रहती हैं और कभी वो टायर्ड नहीं होती मीस सबसे ज़्यादा टायर्ड कौन होगा दैट इज द स्केल मसल उससे कम टाइडनेस होंगी हमारी स्मूथ मसल्स में क्योंकि स्मूथ मसल्स कंटिन्यूस काम नहीं करेंगी जब उनका आवश्यकता होगा तो वो काम करेंगी जब आवश्यकता नहीं होगा तो वो रेस्टिंग पोजिशन में चल जाएंगी तो वहाँ भी थकावट नहीं होती लेकिन जो कार्डियक मसल्स हैं वहाँ पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है सफिशेंट या एबंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया है तो सफिशियंट एनर्जी प्रोड्यूस कर रही हैं और वो कंटिन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड कर रही हैं कार्डियक मसल्स को तो इस तरह से हम लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट किया दैट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द मस्कुलर टिश्यूज यदि आपको कोई डाउट्स हैं कोई परेशानी है कोई क्वेश्चन है तो मुझे जरूर कॉमेंट बॉक्स में लिखें और अपना फीडबैक भी हमें जरूर दें उससे हमें अपने आप को इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगा आपको क्या रिक्वायरमेंट है आपकी क्या आवश्यकता है वो हमें पता चलेगा ताकि हम और बेटर अपने आप को प्रोड्यूस कर सकें थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विथ मी फॉर सच लॉन्ग ड्यूरेशन थैंक्स अलॉट